नमस्कार। नई दिल्ली के 100 साल पूरे होने पर नई दिल्ली के राजपथ से मेरी सलामी कबूल करें। हम राजपथ के नज़दीकी इलाकों में जो जायके हैं वो आप तक पहुंचाएंगे। नज़दीकी इलाकों में सबसे पहले अशोका रोड पर आंध्र भवन है, वहाँ के जायके भी आप तक पहुंचाएंगे। उसके बाद थोड़ा आगे जाएं, कनॉट प्लेस है, कनॉट प्लेस का मशहूर जायका क्या है वो भी आप तक पहुंचाएंगे। उसे एक किलोमीटर आगे पहाड़गंज है, उसका भी जायका आप तक हम पहुंचाएंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं जायकों की तलाश की। आंध्रा भवन में, आंध्रा भवन की मशहूर थाली मेरे सामने है और इसमें जो जो है मैं आपको बता देता हूँ। चटनी है, आलू की सब्जी है, बीन्स की सब्जी है, दाल है, ये रसम है, सांभर है, ये मटर वाले चावल हैं, ये मटन फ्राई, फिश फ्राई और चिकन फ्राई है, साथ में दही और हलवा है, इधर पूरी है। मेरे साथ जो लोग बैठे हुए हैं ये श्री जगन्नाथ राव हैं, श्री रामलू हैं और श्री चंद्रमौली हैं। ये मुझे बता रहे हैं कि ये जो है इसे कंदी पुड़ी बोला जाता है। ये दाल का पाउडर है और इसे चावल में मिलाकर खाया जाता है, तो अपने आप में एक मुकम्मल जायका ये भी बनता है। ये कंदी पुड़ी के ऊपर देसी घी, मुकम्मल जायका अपने आप में। अब मैं आप तक जायका पहुंचाऊंगा सबसे पहले दाल का। बहुत उम्दा दाल है ये, इसमें सरसों के बीज भी हैं, हरे पत्ते भी हैं और चने की दाल है। रसम, ये एपिटाइजर है। मुझे बताया गया कि ये गोंगूरा चटनी आंध्र प्रदेश का बहुत मशहूर है, बहुत मशहूर है। तो गोंगूरा क्या होता है? पत्ता गुंटूर में बहुत चलता। गुंटूर में और कोई आंध्र से आए हैं, गुंगुरा लाए क्या बोलते हैं, गुंगुरा चिल्ली लाए क्या बोलते हैं, इतना मशहूर है। डाइजेस्टिव, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया जायका इसका गुंगुरा चटनी का। मुझे बताया गया कि दाल, गुंगुरा चटनी और चावल मिलाकर खाते हैं। मैं वो जायका भी आप तक पहुंचाता हूँ। ये दाल, गोंगूरा चटनी और घी, दाल, गोंगूरा चटनी, देसी घी और चावल। ये आवा का या बोलते हैं, आवा का जो चटनी ये है वो भी मशहूर है, वो भी मशहूर है। उम्दा, बहुत बढ़िया जायका है ये। आंध्रा का खाना तमिलनाडु के मुकाबले काफ़ी तीखा है, कर्नाटक के मुकाबले भी काफ़ी तीखा है। दरअसल मैं जब भी यहाँ पर आता हूँ, यहाँ की सब्जियाँ खाने आता हूँ, ये मीट, चिकन, फिश वगैरह, साथ में एक सपोर्ट सिस्टम होता है। बीन्स की सब्जी बहुत बढ़िया। दिव्य फ्राइड मटन, दिव्य। हाशले महफिल जो जाके होते हैं उनमें से एक है ये, सीधा आत्मा तक जा रहा है इसका स्वाद। अब देखते हैं कि आलू की सब्जी कैसी है। इसे मैं पूरी के साथ खाऊंगा। इसमें भी सरसों के बीज हैं, हल्का सा हींग का विफ है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कहने को चटनी है ये तो बैंगन की है मेरे ख्याल।
कहने को बैंगन की चटनी है लेकिन तीखापन नहीं है इसमें। फिश फ्राई अच्छी है लेकिन वो बात नहीं है जो मटन फ्राई में है। वाह बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। करी पत्ता का फ्लेवर है इसमें। मैं दावे से कह सकता हूँ पूरे यकीन से कह सकता हूँ कि हासिल महफिल जायके बहुत है इसमें। मटन फ्राई एक जायका है बहुत बढ़िया है। बीन्स की सब्जी बहुत बढ़िया बहुत उम्दा है। रसम भी बहुत अच्छी है बहुत बढ़िया। गोंगूरा पिकल कंदी पूरी और आम का अचार। चिकन फ्राई भी बहुत बढ़िया है। आंध्रा भवन नई दिल्ली में अशोका रोड पर है। ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर। ग्राउंड फ्लोर सबके लिए खुला है। कभी भी आपका मौका लगे यहाँ की थाली ज़रूर खाइए और अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं साथ में मटन फ्राई ज़रूर खाइए। ये जायके आप तक पहुँचाए। आइए अब आगे चलते हैं देखते हैं और कौन से जायके हमारा इंतजार कर रहे हैं। NDTV's क्रिकेट ऐप एंड्रॉइड एंड आईफोन फास्टेस्ट स्कोर कार्ड स्पेशल एनालिसिस एंड मच मोर डाउनलोड फ्री NDTV.com/apps